बनारस के तुलसी घाट पे आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ एक कला की दुनिया है। अगर हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें तो ठीक सामने लिखा है इन आर्ट वर्ल्ड। इन आर्ट वर्ल्ड मतलब वो आर्ट की एक दुनिया जिसके अंदर जा करके ये लोग वो कलाकारों के अंदर जा करके कला के अंदर जा करके झांकने की कोशिश करते हैं, उस दुनिया के अंदर जा करके देखने की कोशिश करते हैं कि जिन कलाकारों को अभी तक मंच नहीं मिला उन्हें कैसे मंच मिलेगा। और अलग अलग तरीके की जो कलाओं की विधाएँ हैं, चाहे स्कल्पचर है चाहे पेंटिंग है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के एक डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है, सीख भी होता है। तो क्या है इन आर्ट वर्ल्ड और किस तरीके से हैं, हमारे साथ उसके संस्थापक हैं प्रवीण कर्माकर, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है, क्यों आपने इसको बनाया। देखिए, इससे पहले मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग बात करते हुए आगे चल सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था। सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी ना किसी एक ख़ास मीडियम या किसी एक ख़ास फॉर्म के लिए रेस्ट्रिक्टेड। और दूसरी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो उसकी ओरिजिन इंडिया नहीं होने के वजह से इंडियंस कम्युनिटीज़ को परेशानियों के बीच में आना पड़ता था, क्योंकि अगर ये मान लीजिए डॉलर्स में है इवेंट को या फिर यूरोज में है, तो व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इन इंडियन मनी इट्स ह्यूज। तो हमने सोचा कि हम ऐसा एक मंच बनाए इस कोविड के दौरान कि ये एक ग्लोबल मंच भी हो और जिसमें किसी भी मीडियम और किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट का रेस्ट्रिक्शन ही ना हो, हम सबको ले आए। तो हमारे साथ मैंने और मेरे एक मित्र हैं बांग्लादेश से, मैं उसको भी बुलाना चाहूँगा, कौसर हुसैन मसूद। आप यहाँ पर आ जाए, आप नीचे आ जाए। तो मतलब इस तरीके से मतलब ये पूरा आप लोगों ने मंच बनाया और वजह किया है, और एक जगह पे हम हर तरह के फॉर्म ऑफ आर्ट के, हर मीडियम के आर्ट को बच्चों के सामने, बिगिनर्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए। हम लोग साथ में भी पेंट कर रहे हैं, और उससे हमारा क्या हो रहा है कि हम एक दूसरे से पहले सीख भी रहे हैं और एक दूसरे को प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं कि वो अपने आप को एक्सपोज कर, उसके एक्सपोजर्स हो उसके आर्ट के, उसके स्टाइल के, उसके टेक्निक से। अभी विदिशा जी UAE से हैं, वो फोक आर्ट पर बहुत रिसर्च कर रही है, काम कर रही है, वो डेमो कर रही है वहाँ पर। एंड ये है हमारे यहाँ से लोकल है वाराणसी से मानती शर्मा, ये भी फोक आर्ट है। तो आप देखेंगे इनके काम में वो वाराणसी का देसीपन है और इसके काम में कॉरपोरेट का झलक है। तो ये जो क्या चाहिए किसको, वो भी मिस ना हो ये भी रहे, तो इससे एक क्या कमर्शियल एस्पेक्ट भी तैयार होता है। विदिशा जी सीखेंगे कि ठेठपन कैसे लाए, मानती जी सीखेंगे कि इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट कैसे लाए, तो ताकि ये और आगे जाए। आप हैं कौसर हुसैन मसूद बांग्लादेश से, फाउंडर है हमारे। अच्छा, चलो तो आपसे अगर मैं पूछूं ये कि एक जो नया बिगनर है या कोई नया आर्टिस्ट है, उसके लिए ये किस आपका जो इन आर्ट वर्ल्ड है वो कैसे मदद कर सकता है। एक्चुअली दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर मी, वी हैव टू एक्सप्लेन दैट वेरी वेल, बिकॉज इट इज़ आवर मोटो है, टारगेट है, वी हैव टू ब्रिंग आवर न्यू टैलेंट हियर। सो IAW ऑलवेज वर्क विद टैलेंट आर्टिस्ट, सो दैट यू टोल्ड मी द फर्स्ट टाइम द बिगिनर है। बिगिनर आर्टिस्ट के लिए तो पहले क्या चाहिए, काम सीखने के बाद व काम की स्टडी के बाद प्लेटफॉर्म भी चाहिए ना। तो ग्लोबल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है, IAW ऑलवेज दिस टाइम ऑफ एग्जीबिशन एंड वर्कशॉप दे अरेंजिंग, लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्री एंड अब्रॉड कंट्रीज केम हियर, दे सॉ देयर पेंटिंग, वी हैव टू पब्लिश दी अवर सोशल मीडिया। सो ये ऐसा बिग प्लेटफॉर्म उन्होंने एक साथ ये IAW में अंदर है। So a artist one come to IAW and work and with us and join with us, they expose their painting, actually not painting, they expose their artwork to around the world. So this is one kind of good foundation, I hope so. And me and Pravinji also always take care of beginner artists because it is our duty to do it. So IAW always supporting. नहीं, बहुत अच्छा काम है, मैं तो कह रहा हूँ कि कलाकारों को। हाँ जी, मैं ये जो इसमें यही कहना चाह रहा हूँ कि हम एक मंच पे जब विदेशी आर्टिस्ट को, बाहर के आर्टिस्ट को भी बुलाते हैं, तो एक दूसरे के कल्चर के साथ साथ एक दूसरे के तकनीक की भी साझा करते हैं। साथ में हमारी जो मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में कि हम इसको अलग अलग देशों में भी इसको लेके जाए। अभी IAW इंडिया है, IAW बांग्लादेश है, IAW बहरीन है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, अब हम लोग IAW नेपाल शुरू करने वाले हैं, IAW कतर
IWUAE शुरू करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारी धीरे धीरे हम पैर पसार रहे ताकि हर तरह के आर्टिस्ट को हम एक मंच पे, ग्लोबल मंच पे लेके आए। ये तो आपका बहुत अच्छा काम है जैसे आप कर रहे हैं। इसमें एक सवाल ये है कि आखिर इसमें आप लोगों को फंड कैसे मिलता है, हो पाता है नहीं हो पाता, उसे कैसे करते हैं? अगर फंड का सोचेंगे तो इतना तकलीफ है क्योंकि फंड आप जानते हैं कि स्पॉन्सरशिप आर्ट के मामले में मिलता नहीं है। गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप की भी अगर बात करें तो वो गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप के तरीके इतने तकलीफ देह है कि आपको आप सोचेंगे कि छोड़ ही देते, प्रोग्राम ही नहीं करते। तो हम लोगों ने क्या किया, एक कंट्रीब्यूशन का तरीका निकाला कि एक ऐसा नॉमिनल अमाउंट रखें जो प्रोफेशनल है वो भी दे सके और जो एकदम बिगिनर से वो भी अफोर्ड कर सके। हाँ, हाँ। और जो नहीं दे सके हाँ। उनका कोई और दे दे। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अपने थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन हमें दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन दिए हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके कंट्रीब्यूशन हमने दिए हैं। अच्छा। जैसे कुछ मैंने दिए, कुछ उसके स्टेट के लीडर दिए। हमने क्या किया, स्टेट वाइज लीडर बनाया। अच्छा। जैसे यूपी में ये है अनिल। अच्छा। है ना, पंजाब में कोई और है, केरला में कोई और, तो हम उनके साथ साझा करके हम वो माफ़ करते हैं कि चलो हम उनका रहने का आने का कर देते हैं, बाकी उनको एडजस्ट कर लेते हैं किसी तरह से। ठीक है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं सादा जी कि ये बताइए कि बनारस में इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म है कला, ये है वो क्या पहली बार है और किन किन चीज़ों को लिया गया? देखिए, अगर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई एक संगठन रहता है किसी एक मोटो को लेके चलता है, जैसे वाटर कलर की अलग अलग सोसाइटी हैं, एक्रेलिक की हैं, चारकोल की हैं, लेकिन हमारा ये जो IAW है इसमें क्या है, हमारे सारी मीडियम एक साथ हैं, मूर्तिकला, चित्रकला, अगर कोई लिटरेचर में अच्छा कोई पोइट भी है हम उसको भी प्रमोट करते हैं। तो इसमें आर्टिस्टों को बड़ी मदद मिलती है। बिल्कुल, मतलब सभी कलाकारों को एक मंच प्रदान करना, ये मुझे लगता है कि ये वाराणसी के लिए पहला इवेंट है। तो और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर, हम थोड़ा सा मंच पर चल करके जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि क्या चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके की हैं। विदिशा हैं, अभी बता रही थी कि मंजूषा पेंटिंग शायद ये बना रही हैं जी। तो विदिशा ये जानना चाह रहे थे कि जैसे आप UAE में हैं, इंडिया की हैं, इंडिया में आई हुई हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो मंच हैं, जो प्लेटफॉर्म हैं, वो किसी आर्टिस्ट को कितना मौका देता है? बहुत मौका। अच्छा, हम से बात जी जी बहुत मौका देता है सर, क्योंकि जो ये आर्ट फॉर्म्स हैं इतनी उपेक्षित हैं कि जिसका मतलब कहीं कोई पहचान नहीं है। आप किसी भी आर्ट इवेंट में जाइए, अगर आपने सपोज़ एग्जीबिशन लगाई है और बहुत सारी पेंटिंग्स हैं तो आपको बहुत तालियां मिलती हैं, अप्रिसिएशन, बट जब कंसीडर करने का टाइम आता है तो इंडियन फोक आर्ट पीछे चली जाती है। मैंने कई एग्जीबिशन में ये चीज़ देखी, फिर मैंने सोचा कि मुझे अब अपना एक अपना प्लेटफॉर्म बनाना है, तो फिर मैंने ये विदिशास क्रिएशंस की स्थापना की, जिसके तहत अब हम एग्जीबिशंस करते हैं और हमारी पहली एग्जीबिशन ही UAE की फर्स्ट इंडियन फोक आर्ट एग्जीबिशन थी जो कि इंडियन काउंसलेट में थी और काउंसल जनरल मैम ताडू मामू मैम ने उसका उद्घाटन किया था। और ये फर्स्ट कैलेंडर है इंडियन फोक आर्ट बेस्ड जो UAE में काउंसल जनरल डॉक्टर अमनपुरी सर ने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो था ये चीज़ कि अब इंडियन फोक आर्ट के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, हमको खुद उस पे काम करना है, तो बस काम कर रहे हैं सर। और यहाँ से भी आर्टिस्ट लेके जाने हैं दुबई। अच्छा। वहाँ चल के कुछ अच्छा परफॉर्म। बनारस आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर, लग रहा है। इट्स माय होम टाउन, मुझे ना घर आंगन वाली फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा। और भी आर्टिस्ट हम उनसे जानते हैं, विदिशा ने मंजूषा के बारे में पूछा, हम और भी लोग हैं उनसे समझते हैं। और यहाँ बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मालती शर्मा। मालती जी, आप तो बनारस की हैं, इस तरीके की जो एग्जीबिशन लगती है जो इन आर्ट वर्ल्ड का है, वो आप कितना समझती हैं कि कलाकारों के लिए बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनेगा? अगर सबका सहयोग रहेगा तो ज़रूर बनेगा, अकेले कुछ नहीं कर सकते। सब लोग मिलकर, फोक आर्ट हो या पोस्टर कलर हो, एक्रेलिक हो, ऑयल हो, या IAW एक ऐसा मंच है कि हर कलर को लेकर आए हैं और जो जिस विधा में काम करते हैं यहाँ पे वो मंच दे रहे हैं सबको मौका मिल रहा है। जो चारकोल से करते हैं, फोक आर्ट है, जो अगर ये कोवर भी जो बनाती है, जैसे हम लोग थोड़ा जो देसी बना रहे हैं, सबको ये कर रहे हैं। अगर हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे तो सच में बहुत आगे
आईडब्ल्यू हो जाएंगे। तो एक बड़ा काम है, वो काम है जो एक उस कला की दुनिया के अंदर अंदर जा कर के देखने की बात है, जो कला के अंदर की दुनिया होती है, जहाँ पर कि तमाम ऐसे कलाकार हैं जो उनको मंच नहीं मिलता, जो उपेक्षा के शिकार हैं, जिनकी कला बाहर नहीं निकल कर आ पाती है, उन तमाम लोगों के लिए इस तरीके का जो मंच है इन आर्ट वर्ल्ड का, वो उन्हें प्रदान करता है और वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया तक के लिए एक बड़ा फलक खोलता है, जहाँ वो खुले आसमान पर अपनी कला के साथ परवाज भर सकते हैं। वाराणसी के तुलसी घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।